द इम्पोर्टल अश्वत्थामा से बाहर होने के बाद ट्विटर पर ट्रेंड हुए विकी कौशल, आपस में भिड़े फैंस एंड ट्रोल्स। द इम्पोर्टल अश्वत्थामा इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म से जुड़े अभी तक कई अपडेट सामने आ चुके हैं। पहले खबर आई थी कि इस फिल्म में सारा अली खान की जगह किसी और एक्ट्रेस को लिया जाएगा, जिसके बाद फिल्म चर्चा में आ गई थी। सारा अली खान का नाम फिल्म से हटने के बाद सब हैरान हो गए थे, लेकिन इसके बाद फिल्म से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा से सारा अली खान के बाद अब विकी कौशल भी बाहर हो गए हैं। अब इस फिल्म में फाइनली विकी कौशल की जगह लेंगे रणवीर सिंह, जिसके बाद अब इस खबर को सुनते ही ट्विटर पर अलग अलग तरह से लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। देखा जाए तो विकी कौशल का भी फिल्म से पत्ता कट गया है। अब फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा में विकी कौशल की जगह रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं। फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा में विकी कौशल के बाहर होने से फैंस काफी दुखी नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर यूजर्स इस खबर को लेकर रिएक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूजर्स विकी कौशल करियर ड्रॉप के साथ अपनी राय लिखते हुए नजर आ रहे हैं। कोई विकी कौशल के साथ खड़ा हुआ नजर आया है तो ट्रोल्स ये बातें बोलते नजर आ रहे हैं कि वी वांट विकी कौशल इन द फिल्म, यानी कि लोगों को विकी कौशल ही इस फिल्म में चाहिए। ऐसे में लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा अली खान को जब फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा से बाहर किया गया, तब खबर सामने आई थी कि फिल्म के मेकर्स को किसी बड़ी एक्ट्रेस को लेना है, जिसके बाद फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा चर्चा में आ गई थी। विकी कौशल को फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा और रणवीर सिंह के आने पर आपकी क्या है राय? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या आप वाकई खबर से सेटिस्फाइड है कि विकी कौशल को रणवीर सिंह ने इस फिल्म में कर दिया है रिप्लेस? डू लेट अस नो।